नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किमी फ्रॉम राइट स्किल्स विद किमी चैनल से, और एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो दोस्तों, ये देखिए, आज हम लोग लेकर आए हैं कुछ दोस्तों आपके लिए प्लांट्स। ये दोस्तों नर्सरी से मेरी मदर लेकर आई हैं। एक्चुअली गाइज, मैं आपको बताऊँ कि आजकल मैं अपनी मदर के साथ दोस्तों ज़्यादा दूर दूर तक शॉपिंग करने नहीं जा पा रही हूँ, तो मेरी मदर ही शॉपिंग करने के लिए जाती हैं। पहली बात, मेरा दोस्तों एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। दूसरी बात दोस्तों, मेरा जो लाइसेंस बना हुआ है, उस लाइसेंस में कुछ गड़बड़ी हो गई है, जिसकी कि मैंने दोस्तों कुछ रिक्वेस्ट डाल रखी है RTO ऑफिस में। तो इसीलिए गाइज, वहाँ पर अभी हाल फिलहाल मेरा लाइसेंस भी थोड़ा सा रिन्यू होने में टाइम लगेगा, इसीलिए मैं नर्सरी नहीं जा पाती हूँ, बट मेरी मदर अच्छे से शॉपिंग कर लाती हैं। क्योंकि आखिर गाइस हैं तो हम अपनी मदर के बच्चे ही, तो मदर जो शॉपिंग कर पाएंगी वो हम तो कर नहीं पाएंगे। तो ये शॉपिंग मेरे दोस्तों जो मदर हैं, उनको ये सारे क्रेडिट्स जाते हैं शॉपिंग के, और उन्होंने सारे इंसिडेंट मुझे बताए कि कैसे कैसे ये दोस्तों प्लांट्स वो लेकर आई हैं, और वो 2-व्हीलर पर गई थी, अकेले गई थी, और इतना ढेर सारा सामान ले आती है। मेरी मदर को तो दोस्तों सल्यूट है, इतना इतना सामान मेरी मदर ओनली एंड ओनली 2-व्हीलर पे ले आती हैं। अगर मैं होती तो मैं कार ड्राइव करके उनको साथ में बिठा के ले आती, बट मेरा तो दोस्तों ये लाइसेंस का आज का चक्कर चल रहा है, तो इसीलिए दोस्तों दिक्कत इस बात की है बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, आज की आपको शॉपिंग दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्लांट है दोस्तों हमारा ये पिटूनिया का। तो पिटूनिया के प्लांट से आप लोग जो सामने देख रहे हैं, इसमें से 3 व्हाइट कलर हैं, 3 रेड कलर हैं, 1 पिंक कलर है, और 1 नर्व डिज़ाइन पर्पल है। तो चलिए आइए पास से देखते हैं। ये दोस्तों इस तरह का प्लेन रेड कलर है नर्व डिज़ाइन के साथ जो दोस्तों होता है, और ये भी दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये भी प्लेन रेड कलर का है ये वाला, और ये भी दोस्तों प्लेन रेड कलर का है। रेड कलर मैंने सबसे पहले दिखाया है क्योंकि ये मेरी मदर का भी और मेरा भी साथ में दोनों का ही फेवरेट कलर है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं वाइट कलर की। तो वाइट कलर भी दोस्तों हम लोग 3 लेकर आए हैं। वाइट कलर इसलिए दोस्तों लेके आते हैं हम लोग, जिससे कि एक तो मैच बहुत सुंदर बनता है, और जहाँ तक दोस्तों हम बात करते हैं वाइट कलर की, चाहे वो किसी भी प्लांट में क्यों ना हो, एक चीज़ का रट्टा हमेशा मार लीजिए कि किसी भी प्लांट में वाइट कलर अगर है तो वाइट कलर की ब्लूमिंग बाकी कलर से ज़्यादा जल्दी और तेज होगी। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जब ये पहला प्लांट, मतलब पिटूनिया का पहला प्लांट, चाहे जंगल में ये स्पीशी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई होगी दोस्तों, और ये प्लांट इंट्रोड्यूस हुई होगी हमारे दुनिया में, तब सबसे पहले वाइट कलर होगा, फिर वो वाइट से पर्पल, वाइट से रेड। वाइट कलर मतलब सबसे बेसिक चीज़ है, तो सबसे पहली स्पीशी हर प्लांट की वाइट कलर की होती है दोस्तों। तो इसीलिए जो वाइट कलर होता है वो सबसे बढ़िया ब्लूम करता है, ढेर ढेर सारे फ्लावर्स भी आपको देता है। अब नेक्स्टली गाइस, जो इसमें है ये है 1 पर्पल नर्व डिज़ाइन कलर। तो ये नर्व डिज़ाइन है, देखिए अंदर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि नसें सी चमक रही है प्लांट की। तो ये नर्व डिज़ाइन पर्पल प्लेन कलर है ये देखिए, और ये दोस्तों है पीच कलर। अब आपको ये पिंक कलर लगेगा, बट ये दोस्तों पीच कलर है, और बिल्कुल भी कैमरे में थोड़ा सा अलग टाइप का सा कैप्चर हो रहा है, बट ये दोस्तों पीच कलर है। देन दोस्तों ये मेरी मदर लेके आई है एक अडेनियम का प्लांट। अडेनियम का प्लांट दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी भी 2 थे, बट ये रीजनेबल प्राइस में, अभी मैं प्राइस बताती हूँ सबके। तो दोस्तों ये वाला जो प्लांट है ये हमारा अडेनियम का है, और ये डेलिया है। तो चलिए प्राइस बताना स्टार्ट करती हूँ। ये दोस्तों जो पिटूनिया का एक एक प्लांट है, पिटूनिया के हमारे एक एक प्लांट ये 40-40 रुपीज़ के थे, बट जो भैया हैं जिनसे हम लेकर आते हैं, वो उन भैया ने 35 के हमें लगाए हैं बोलने के बाद, कॉज गाइज हम उनके परमानेंट कस्टमर्स हैं। देहरादून की हर नर्सरी वाला बाई चांस गाइज भगवान की कृपा से हमें जानता है, और हम लोग मीन्स जानते हैं कि वो मदर और बेटी आती हैं, माँ बेटी आती हैं, और इस तरह से लाद के प्लांट्स लेके जाती हैं हमें। दोस्तों ये बात बिल्कुल, हम मशहूर हैं इस चीज़ से, देहरादून की हर नर्सरी वाला दोस्तों हमें जानता है। तो इसीलिए ये 35 रुपीज़ के हमें ये प्लांट पड़े हैं। और उसके बाद गाइस, ये जो आप देख रहे हैं अर्डेनियम का प्लांट, ये 200 रुपीज़ का पड़ा है। ये देसी वाला है दोस्तों, हाइब्रिड नहीं है ना ग्राफ्टेड है, मुझे इसमें कहीं भी ग्राफ्टिंग नज़र नहीं आ रही है। तो ये वाला दोस्तों देसी वाला है, ये जो आप देख रहे हैं ये सीडलिंग से ग्रोन है।
अब दोस्तों ये हमारे पास ये अडेनियम 200 का हो गया। अब ये हॉली हॉक के प्लांट है, देखिए हॉली हॉक के प्लांट दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ये सीडलिंग्स है, मीन्स प्लांट्स क्या है, ये सीडलिंग्स गाइस 10 10 रुपीज़ पर ईच, दोनों ही 10 10 रुपीज़ की है, 20 रुपीज़ की ये सीडलिंग हो गई। और गाइस ये है डेलिया की सीडलिंग्स, ये देखिए ये डेलिया है और ये 5 डेलिया मेरी मदर लेकर आई है और ये 20 रुपीज़ ईच है सीडलिंग, और ये हमारी 100 रुपीज़ के ये ट्रे में हो गया। और गाइस ये हमारे पिटूनिया है, पिटूनिया में मेरी मदर जो है वो बहुत ही बढ़िया शॉपिंग करके लाई है इस बार। पिटूनिया वैसे मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन दोस्तों वही है ना, चाहे मेरी मदर हो चाहे मैं हूँ, दिल है कि मानता नहीं, कोई भी दोस्तों कहीं पे भी प्लांट अगर देख लिया तो भाई लेके जरूर आना है, लगाना भी है। तो दोस्तों ये पिटूनिया के मेरी मदर दोस्तों सीडलिंग लेके आई हैं, ये 2 रुपीज़ ईच मिली है, ये बहुत अच्छे प्राइस में मिली है, ये 2 रुपीज़ ईच है, 2 2 रुपए की है, ये सही है, बढ़िया प्राइस है दोस्तों। और दोस्तों मेरी मदर लाई है वर्मी कंपोस्ट, ये देखिए 5 kg ये वर्मी कंपोस्ट लाई है, कॉस्ट 2 व्हीलर पे मेरी मदर गई थी तो 5 kg का ही एक पैकेट ले आई मेरी मदर, क्योंकि एक बार का काम तो इससे हमारा हो ही जाएगा और हम लोग सॉइल मीडिया बना के तैयार कर लेंगे हर गमले के लिए। तो दोस्तों इसीलिए वर्मी कंपोस्ट भी मेरी मदर 5 kg ले आई। एक्चुअली दोस्तों मेरी मदर को अच्छा नहीं लगता है, मैं आपको सही बताऊँ ट्रूली, कि मैं ज़्यादा मिट्टी वगैरह में हाथ देती हूँ ना जब, तो मेरी मदर कहती है दूर रहे दूर रहे, बट मैं तब भी प्लांट्स लगाती हूँ बिकॉज मेरा शौक है ना, तो इसीलिए मैं लगाती ज़रूर हूँ। लेकिन तो मेरी मदर ये चाहती हैं कि कोई भी चीज़ मिले तो उसको फाइन ही मिले, तो इसीलिए वो वर्मी कंपोस्ट लेके आती हैं, ये बिल्कुल ट्रूली बात है, मेरी मदर का लव है मेरे प्रति, वो बिल्कुल भी गोबर खाद ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने देती हैं, वर्मी कंपोस्ट डायरेक्ट डालो, बिखरी बिखरी से होती है, और जो गोबर खाद होती है वो थोड़ी सी दोस्तों हाथों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो इसीलिए मेरी मदर का ये लव बता रही हूँ। आपने देखा होगा उनका चैनल राधे राधे गार्डनिंग, वही मेरी मदर है। और ये देखिए गाइस यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मेरी मदर पॉट लेके आई हैं, आप लोग देख सकते हैं पॉट्स हैं गाइस ये वाले, ये जो पॉट्स आप देख रहे हैं ये 60 रुपीज़ ईच है, ये वाले जो आप पॉट देख रहे हैं ये 6 पॉट्स मेरी मदर लेके आई हैं, और इसके अंदर उन्होंने होल भी करवाए हैं, उन्होंने बताया कि वो होल अच्छी तरह करके नहीं देते हैं, वो तो कह रहे थे 2 ही काफ़ी है, फिर हमने बताया कि 2 ऐसे कैसे, अपने नर्सरी वाले पॉट्स में तो कम से कम 8 10 होल्स बना के रखते हो, 2 कैसे, तो उन्होंने होल्स भी खैर करके दिए, ये देखिए होल्स करके दिए। उसके अलावा गाइस ये 12 पॉट्स हैं, ये 8 8 इंच के ब्लैक कलर वाले, ये 40 रुपीज़ ईच है, 40 रुपीज़ का पॉट है ये, इसकी प्लास्टिक थोड़ी सी अच्छी है गाइस, वरना मैंने 20 रुपीज़ के भी देखे हैं ये वाले, और लेकिन ऐसा है ना दोस्तों थोड़ा देहरादून में मिलते भी नहीं है 20 रुपीज़ वाले, और फिर मैं सोचती हूँ कि वो चलते भी तो नहीं है ज़्यादा, अच्छी प्लास्टिक वाले ही लेने चाहिए, 40 रुपीज़ में तो क्या बुरा है, ये बढ़िया है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और ये वाला भी बढ़िया है, देखिए ये भी अच्छा होता है, ये 60 रुपीज़ का, ये डिज़ाइन की वजह से है। सो गाइज़ ये शॉपिंग मेरी मदर करके लेके आई हैं, और सबसे अच्छी बात गाइज़ ये होती है कि जब हमारे घर में हमारे बड़े हमें पूरा सपोर्ट करते हैं तब बहुत अच्छी तरह से वो हॉबी बिल्कुल निखर के आती है। आपको एक बात बताऊँ, मैं जानती हूँ कि बहुत सारी मदर्स, होम लेडीज़, हाउस होल्ड्स की लेडीज़, मीन्स हाउस वाइफ्स ये चीज़ देखती होंगी, तो दोस्तों अगर आपके बच्चों में ये हॉबी पनप जाती है बाई चांस कि गार्डनिंग करें, तो उसको छोड़िएगा नहीं, छुड़वाइएगा नहीं, उसको बढ़वाइएगा, उसको बढ़ावा दीजिएगा। मेरी मदर ने, मैं आपको बताऊँ दोस्तों, मेरी मदर ने मेरी हर हॉबी को बहुत ढंग से बढ़ावा दिया, चाहे वो म्यूज़िक की हो चाहे वो कुछ भी हो। आज मेरी एज इतनी कम होने के बावजूद भी मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कॉज मेरी मदर ने मुझे बढ़ावा दिया हर चीज़ में। गलत चीज़ में कभी उन्होंने मुझे वो नहीं किया, जब भी मैंने कुछ गलत किया, मुझसे कोई मिस्टेक हो गई, तो दोस्तों उन्होंने मुझे हमेशा डांटा सही बात पे, और वो डांट भी बिल्कुल सही थी उस जगह पे। लेकिन जो भी हॉबी हुई मेरी, चाहे वो ड्राइंग की हो, पेंटिंग की हो, चाहे उनको 1000 1000 रुपए के ऑयल कलर्स लाने पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए,
उन्होंने मेरी हर हॉबी को दोस्तों आगे बढ़ावा दिया। तो मेरा यही कहना है कि जितनी भी हाउसवाइफ्स ये देखती हैं मेरा चैनल, मेरा वीडियो देखती हैं, लाइक करती हैं, कमेंट करती हैं, तो अगर आपके बच्चों में भी कोई भी हॉबी डेवलप होती है तो दोस्तों उसको बढ़ावा ज़रूर दीजिए। मेरी मदर की मैं सल्यूट करना चाहूँगी मेरी मदर को, मेरी मदर ने हमेशा मेरी हर हॉबी को दोस्तों बढ़ावा दिया ही दिया है। मैं एक मल्टी हॉबीस्ट हूँ, सही बताऊँ क्यों हूँ, आज अपनी मदर की वजह से हूँ, मल्टी हॉबीस्ट हूँ। मुझे दोस्तों हर चीज़ में क्रिएटिविटी में मज़ा आता है, हर चीज़ मैं कर पाती हूँ। बचपन से लेके आज तक मेरी मदर ने मुझे पढ़ाया और पूरा कम्प्लीटली 12th तक भी मेरी मदर ने मुझे पढ़ाया है कम्प्लीटली, और उनकी पढ़ाई की वजह से ही आज मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ती हूँ गाइस, और बहुत बढ़िया तरीके से मैं हर चीज़ में परफेक्ट मेरी मदर ने बनाया। खैर मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं परफेक्ट बिल्कुल नहीं कहूँगी, बट अपनी मदर के हिसाब से शायद कहीं ना कहीं उनके हिसाब से हूँ। थैंक यू गाइज़।